हेलो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग? सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, द एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं जो इंडिकेट करता है न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज को एंड पैसे के फ्लो को अच्छा रहने वाला है। काम में बिजी रहने वाले हो, साथ में द हायरोफेंट के कार्ड आए हैं आपके लिए। द जस्टिस, ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। देखो मकर राशि वालों को मैं कहना चाहूँगी, इस हफ्ते जो भी काम करना आगे बढ़िए, शुभ रहेगा। ये हफ्ते एनर्जीज अच्छी हैं, बृहस्पति देव की कृपा बनी हुई दिख रही है। बृहस्पति देव, जुपिटर प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि से आपके जो भी काम है, मान लीजिए आप जो भी आपकी इच्छा है, इंटेंशन है, उन सभी कामों में लाभ रहेगा इस हफ्ते। ट्रैवल के योग भी हैं, बिजी भी रहोगे, काफ़ी काम भी करोगे इस हफ्ते, हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, नो मैटर। अब आगे देखो जस्टिस के कार्ड आए हैं। ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि पहली चीज़ तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिकल रहने वाले हो। जो जैसा आपके साथ बिहेव करेगा, आप उसको एकदम ब्लंटली बोल दोगे कि भाई तू ऐसा है, तू वैसा है, तुझे ये गलत किया तूने, ये मेरे साथ सही नहीं किया, एकदम ऑन फेस आप बोल दोगे। तो बेहतर है एंड ऑफ द वीक में मकर राशि वालों से कोई पंगा ना ले तो बड़ा अच्छा होगा। पढ़ते हो इस मकर राशि, अगर आपके जीवन में किसी भी रूप से कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें आपके फेवर में चीज़ आ सकती है, थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है केस में। हिंदुस्तान के इनो केस लंबे ही चलते हैं, थोड़े से इनो जो हमारी कोर्ट है, तारीख पे तारीख होती रहती है, थोड़ा डिले होता है, बट एनीवेज अगर इस वीक में अराउंड में अगर आपकी कोई डेट्स हैं तो फेवरेबल मानी जाएगी आपके लिए। उसी के साथ साथ किसी भी प्रकार का लोन या पेपर वर्क आपके अटके हुए थे तो वो भी आपके इस हफ्ते बनते हुए देखे जाएंगे। आगे डिवाइन गाइडेंस भी बात कर लेते हैं, क्या आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, डिग्निटी। ओके, देखो ये कार्ड सीधा सीधा आप लोग के लिए मैसेजेस लेके आ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड आई फील कि मकर राशि वालों के लिए इस हफ्ते सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आप खुद ही देख लो, और ना आपका क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज्ञान आपको लगेगा या आपकी जो पोजीशन है, थोड़ा सा ना अहंकार भी आपके अंदर इस हफ्ते आएगा। अहंकार मैं बताती हूँ कैसे वाले अहंकार की मैं बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत करके ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान आपके पास है, जो भी आप फील्ड में हो, टॉप पोजीशन पर आप हो, आपने ज्ञान की प्राप्ति की, अब आपको उस ज्ञान का अहंकार है कि यार मैंने इतनी मेहनत से ये सब कुछ पाया है, किया है, तो मेरी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चलो वो तो एक एंगल से रिस्पेक्ट आपकी इच्छा है ही है, दूसरी चीज़ आप हर रूप में रिस्पेक्ट चाहते हो। इस हफ्ते यू नो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे किसी भी इंसान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। यू नो यू विल बी लाइक, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, मुझे पता है। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो यू नो छेड़ देगा ना, उसकी आप बैंड बजा दोगे मकर राशि। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो समवेयर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप बहुत काम भी करोगे। आपकी एक ना मकर राशि वालों का एक डिज़ायर भी दिखता है कि उनको टॉप पोजिशन पर रहना है, उनको कुछ बड़ा अचीव करना है, उनको यू नो चाहिए भी कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। बिकॉज मेहनती तो होते ही हैं मकर राशि वाले, बट जब तक उन्हें वो उनकी डिज़ायर्ड डेजिग्नेशन, डिज़ायर ड्रीम पोजिशन नहीं मिलती है, तब तक वो उस मेहनत में लगे रहते हैं। ओके, सो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। एंड अदरवाइज देखो रिलेशनशिप वाइज अच्छा है, कमिटेड रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है इस हफ्ते में। एंड ऑफ द वीक में माइनर इश्यूज एंड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हेल्थ वाइज अच्छा माना जाएगा ये हफ्ता, नो नीड टू वरी। एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा है, करियर के हिसाब से भी अच्छा ही माना जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। ओके कैप्रिकॉर्न्स, थैंक यू सो मच।